जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं पंडित मुकेश शर्मा आज आपके लिए एक ऐसा उपाय और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटिव एक वीडियो लाया हूं, जिसको देखकर आप घर बैठे ही इसका उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य जो होता है वो पिता, आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक होता है तथा इसकी राशि होती है सिंह। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हृदय का रोग हो सकता है, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। और इसके लक्षण ये हैं कि मुंह में बार बार बलगम इकट्ठा हो जाता है, सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी या असंतुष्ट होना, पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद होना सूर्य के पीड़ित होने के सूचक होते हैं। ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए वो आपको बताता हूँ। अगर आपका भी सूर्य पीड़ित हो तो ऐसे में भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करें, सभी से राम राम कहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को रोजाना अर्घ दें तथा गायत्री मंत्र का नित्य जाप करें और तांबा, गेहूं एवं गुड़ का दान करें। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मीठा खाकर करें। तांबे के एक टुकड़े को काटकर उसके दो भाग करें, एक को पानी में बहा दें तथा दूसरे को जीवन भर साथ रखें और ओम रम रवय नमः, ओम रम रवय नमः, ओम रम रवय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार एक माला का जाप करें। ऐसा करने से आपका सूर्य अच्छा होगा और आपको यश प्रदान करेगा, पिता से भी आपकी बनने लगेगी और समाज में आपको सम्मान तथा यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। जय श्री महाकाल दोस्तों।